अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। जी बिल्कुल, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के। वीडियो पाकिस्तान फेडरल मिनिस्टर इन इंडिया बिलावल भुट्टो जरदारी फिजा खान रोज। चलिए मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सुनते जाइए। इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बताइए। इस्लामाबाद में कांपे टांग रही है। जब बारिश आता है तो पानी आता है, तो पानी आता है किसको आता है? कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तो क्या करूँ उम्मा 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 कर प्यारे उम्मा उम्मा घुटड़ू इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है? अबे साले, बिलावल को इंडिया में नहीं जाना चाहिए, हम इसी के फेवर नहीं करेंगे। अभी देखें, टेबल पे बैठे, किसी और जगह पे बैठे। बिलावल का कहना जरा उनको भी सुन लेते हैं। क्या है आपका एजेंडा? मेरा जोन से एक ही एजेंडा है कि मेरे को वहां पे जाकर ये देखना है। प्रणाम दोस्तों, जय हिंद। तो बिल्लो गई है आ, वो बिल्लो जिसका इतनी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। उदय भाई, गब्बर भाई, हमारे न जाने कौन कौन से भाई इंतजार कर रहे थे बिल्लो का। तो वो बिल्लो आ गई है, कब पहुंची कहां पहुंची नहीं पता, आती रहेगी, वीडियो डाल दिए। मेरे बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, वीडियो को एंड तक नहीं देखा, खास तौर पर अगर एंड नहीं देखा तो क्या देखा, तो वीडियो को आराम से वार्निंग, पॉपकॉर्न नहीं लेके बैठना, इधर फंस जाता है। ठीक। इंडिया पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं अब्दुल बासित, जिन्होंने रिसेंटली एससीओ की मीटिंग को लेकर स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जब इंडिया जाएंगे तो इंडिया वाले बेताब हैं उन्हें मिलने के लिए, वन टू वन मीटिंग के लिए। इस पर इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया गया। क्या वाकई ही इंडिया वाले डेस्परेट हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को मिलने के लिए? क्या इस टाइम पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है या इंडिया को पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है? पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा। पब्लिक भागी थोड़ी जा रही है, पहले उसकी खबर तो ले लें जो आ रही। और नहीं तो क्या, बहुत हाइप क्रिएट की हुई थी कि भाई इंडिया तो मरे जा रहा है हमसे मिलने के लिए। अभी आपको बताएं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारतीय वजीर आजम को मुलाकात की दरखास्त नहीं की गई। लोग यार ये मत समझो कि मैं मल्टीलैटरल फोरम है मैं तो इसलिए जा रहा हूँ, ये मत समझो कि बायलैटरल है इंडिया और पाकिस्तान, हम तो चाहते ही नहीं जाना। ये सब बिल्लो जो है वो बहुत नाटक कर रहा था, मैं ये नहीं करूंगा ये नहीं करूंगा। चाइना ने चार चांटे लगाए बिल्लो के, बोला चुपचाप पहुंचा गोवा टाई पहन के, समझे? इस आसमानी कौम के लंगूरों की गलत फहमी जयशंकर साहब ने इधर बैठे बैठे ऐसे तोड़ी जैसे कोई गुलेल से आम तोड़ता है। इट इज फॉर अस वेरी डिफिकल्ट टू एंगेज विद अ नेबर हु प्रैक्टिसेस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अगेंस्ट अस। क्लियरली बता दिया कि हम बॉर्डर क्रिकेट हर एक मैदान एक ही है, ना बोला तो ना। जो मौत से ना डरता था बच्चों से डर गया, क्योंकि इंडिया को क्या जरूरत है, वो नहीं आएगा। मसला तो हमारा है, उनका तो नहीं, वो तो नहीं छोड़ेगा कभी हमारे प्लेयरों को। ये अंकल ने लॉजिकल बात की है। मुन्ना भाई, अंकल के लिए ऑस्कर की सिफारिश कर दो। बराबर, कितना ऑर्डर करने को मांगता। अभी एक बाकी, आगे देखते हैं। हो गया ये तो हो गया, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो जाना, फिजा खान अपने बच्चों की, सॉरी मतलब कि पाकिस्तानी बच्चों की बात कर रही थी, थोड़ी देर में पता चलेगा, भारत की बात नहीं कर रही थी, इतनी औकात नहीं इनकी। पाकिस्तान के मजदूर, गरीब और आम आदमी के हालात नहीं बदल सके। आज भी गरीब दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। आज भी मजदूर को जब उजरत मिलती है ना तो वो इतनी कम होती है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इससे अपने जिस्म को ढांपे या फिर पेट की भूख को मिटाए, खुद खाए या अपने बच्चों को खिलाए। कंफ्यूजन खलास, बढ़िया। अब ऑस्कर के लिए कोई अगला बंदा देखते हैं। भुट्टो साहब इतने बड़े लीडर थे, वो भी क्या कर सके,
75 साल में किसी ने क्या किया? आर्टिकल 3 इंदिरा गांधी ने उन्हीं से मनवाया कि आप लड़ाई से नहीं, ये टेबल पे बात करेंगे, इस पे बात हो सकती है, लड़ाई से नहीं हो सकती। दुनिया की नंबर वन मिलिट्री हमारे पास, नहीं है, मतलब ये हमारे दिल में है ना। हाँ। लेकिन गूगल अगर करें तो वो दुनिया की नंबर वन नहीं बनती। कौन गूगल? गूगल गया तेल लेने, वो 6, 7 या 8। हाँ। इसके राउंड बाउट मैं ईमान की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रूह उनकी पावर हमारी ईमान है ना। ठीक है ना, तो तुर्की, फिर तुर्की वाले भी ईमान वाले हैं तो वो भी नंबर वन होने के ना। हाँ, घेर रहा है अभी इसको। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यार हमारे पास आर्मी भी है, अच्छे अदारे भी हैं, लेकिन बदकिस्मती थोड़ी सी ये है कि यार अगर उनमें ऑनेस्टी आ जाए ना। आप एक तरफ कह रहे हैं कि दुनिया की नंबर वन ईमान के लिहाज से फोर्स हमारी है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं ईमानदारी आ जाए अगर, इसका मतलब अभी ईमानदारी नहीं है? नहीं है थोड़ी सी। बकरिस्तान बोला था मैंने कुछ दिन पहले पाकिस्तान को, क्योंकि बकरी घूम फिरा के बोर्ड थल्ले आती है। पंजाबी दोस्त समझ गए होंगे, आई थिंक सभी समझ गए होंगे। यस। पिछले दिनों सुनने में आया था कि इंडिया ने वो वाला प्रोटोकॉल जो चाहिए होता है फॉरेन मिनिस्टर को, उससे तो उन्होंने माजरत की है। इनकी औकात नहीं है कि हमसे बात करें, इतना आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। ये फालतू के लोग देखें, गलत फहमी तो दूर हो सकती है लेकिन बदनीयती और बेईमानी दूर नहीं हो सकती। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। इंडिया एक्चुअली बेईमान है, बदनीयत है, और खान साहब का यही एक जो उन्होंने इंस्टांस लिया था कि डायलॉग होने चाहिए किसी से भी, चाहे अमेरिका से हो, लेकिन वो इक्वल बेस पे होनी चाहिए। तो खान साहब जब गवर्नमेंट थे तब ये कहते थे ओए मोदी सुन ले, ओए ये कर ले, ओए वो। जब से वो गवर्नमेंट से हटे हैं तो तब से तो वो एग्जांपल देते फिर रहे इंडिया की, कि इंडिया के। क्या कहें यार, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, समझ गई? एग्जैक्टली। गुड, तो आप कुछ बोलो। काम को हमेशा की तरह पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसी खत्ते में हमारे साथ आजाद होने वाले ममालिक भारत और चीन के रूप में दुनिया की बड़ी और उभरती मईशत बन चुके, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का आम आदमी, मजदूर, गरीब आज भी भूखे पेट, नंगे पांव और बगैर किसी छत के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन कब तक? तेरे बाप ने जो चोरी करके कपड़े लिए ना तेरे लिए, मिस्टर 10% ने, वो कपड़े पहन के पहुंच जा रहा है इंडिया, ठीक है, सबके सामने नखरे दिखा रहा है। बिल्लो वही जाता है जहां से पैसे की उम्मीद हो। इन गधों को वैसे तो कोई पूछता नहीं, इसीलिए इन्होंने अपनी TRP क्रिएट करनी होती है, अपनी मशहूरी करनी होती है। एक और पंजाबी कहावत, मजा ही पंजाबी कहावत कहता है यार, कोड़े नहीं तेला कर दी मेला मेला। हिंदी में बोले तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बराना। इनके एक एक छपरी पॉलिटिशियन की पॉलिटिक्स बस इतनी ही है। कोई अंदर की खबर हो तो बता दी, कोई खैर की खबर। ओके, अब अंदर की खबर बताने लगा हूं, बीच में ना रोकना, ना टोकना, ना चाय पीना। ठीक है, जितना लेट करवाएंगे उतना इनको नुकसान होगा। Okay. आपकी पब्लिक कूद रही थी जैसे कुकर में छोला कूदता है, और वो भाई और शोएब भाई ने शुरू शुरू में पूछा था, क्या वाकई ही इंडिया वाले डेस्परेट हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को मिलने के लिए? अरे भाई कैसी डेस्पिरेशन, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। इतनी मौज है भाई कि अगर भूल जाए तो रात को उठ के 3 दोबारा खा लेते हैं। और ये सब तो भाई मजे मजाक के लिए लगा रखा है, वरना कौन पूछता है ऐसी बिल्लो को। वही बिल्लो जिसकी NSC BSC आसमान को छुई पड़ी थी, भाव खा रही थी, क्या बोली इंडिया में उतरते ही इंटरव्यू देते समय? क्या है आपका एजेंडा? मेरा जोन से एक ही एजेंडा है कि मेरे को वहां पे जाकर ये देखना है कि हमारी कंट्री किस तरीके से कहां पे क्या चीज रिप्रेजेंट कर सकती है। पिछली बार 12 साल पहले रबानी जी आई थी, अब उन्होंने धक्का दे के मुझे भेजा है। तो मेरा यही है कि पहले जो काम इमरान खान करते थे, मैं इंडिया के सामने जाके करूं एज ए फॉरेन मिनिस्टर। क्या? जैसे कि अब दो दो कटोरे बना दिए तब भी आप नहीं समझ रही है। नहीं समझ रहा, बताइए ना। देखे मैम, हमारे यहाँ ना आजकल क्या हो गया है कि आटे पे, दाल पे, चौल पे, सब पे चपले भीख मांगने जा रहे हैं आप। एग्जैक्टली। और ये बिल्लो नखरे दिखाकर अपने भाव बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि पता है इसको कि मेकअप से लेकर ब्रेकअप तक पैसा लगता है। जाते जाते इसने अपनी करी दी, मोदी जी ने कुछ नहीं दिया, बाहर खड़े दरबान से बोली, भाई साहब जरा 10 रुपए दे दो यार। कमाल। और आने से पहले कह रही थी कि हमें नहीं आना इंडिया,
और जाकर क्या बोली उसी जियो न्यूज पर, उसी चैनल पर, उसी एंकर को। जियो न्यूज से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनकी ख्वाहिश तो और थी, लेकिन की ख्वाहिश तो थी कि पीआर मिल जाए इंडिया की, लेकिन मोदी जी क्या बोले पहली फुर्सत में निकल। अरे भंगार की शक्ल के निकल पहली फुर्सत में। जी सो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था जो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो एक हाइप क्रिएट की हुई थी पहले जाने से पहले, और ऐसा होता है अपने मुल्क के लोगों को राज़ी करने के लिए, अपने मीडिया को कुछ बोलने के लिए, और खबरें ऐसी ही चल रही थी कि बहुत बेताब है इंडिया वाले और फूलों के और केलों के, उन्होंने जैसे वो शादी के लिए दूल्हा आ रहा होता है वैसी तैयारियाँ कर रखी हैं, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, उनको लेने के लिए भी कोई आम सा ही उनका कोई बंदा गया, सरकारी प्रोटोकॉल दिया उनको, और बाकी चीज़ें ये है कि आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, आप वहाँ पे गए हैं कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं सीधा आ जाएंगे, और यहाँ आके ऐसे ऐसे भाषण देंगे कि मैंने जैसे दुनिया ही फतह कर ली है। तो हकीकत ये है कि जिस बंदे की क्रेडिबिलिटी ही कुछ नहीं, सिवाय इसके कि वो भुट्टो ख़ानदान में कहीं जाके पैदा हो गया और भुट्टो का नवासा है, तो उसका उसको इतना तो हक है कि पाकिस्तान का जो वजीर खारजा है वो भी बन जाए, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, तो ये पाकिस्तान रखा ही इन लोगों के लिए, इन नवाबों के लिए, इन वडेरों के लिए है। तो फिर वहाँ पाकिस्तानी जो बदकिस्मत कौम है वो ऐसी वीडियोस दे के अपना मजाक बनवा के और फिर उस पर ही खुश हो सकते हैं, तो और तो कोई मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, जैसे कहें कि जैसे इंडिया का जो फेडरल मिनिस्टर है वो जाता है अमेरिका में बैठ के उनको ललकार के आ जाता है, तो ऐसा कोई हमारे यहाँ तो कभी नहीं हमने देखा कि कभी ऐसा हो। हाँ, कभी मुशर्रफ गया था वहाँ पे इंडिया पे, और इंडिया में बैठ के भी उसने कारगिल के बाद भी वो इंडिया गया था और बातचीत ऐसी हुई थी कि मुशर्रफ ने बेहतरीन सवालों के जवाब दिए थे, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वहाँ अपना जो टाइम है बड़ा बेहतरीन तरीके से गुजारा, और उस वक्त लग भी रहा था कि हो सकता है कि जो पहले काम नहीं हुआ वो हो जाएगा, लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से वापस आ गए और हिस्ट्री फिर वैसे ही रिपीट हो गई। अब बिलावल भुट्टो साहब भी गए हैं और आज मेरे ख्याल वो वापस आ जाएंगे, बस इतना ही है। बिलावल भुट्टो साहब गए हैं जी और आ गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने आने और जाने को जो है ना वो कैश करवाना था, लेकिन वो नहीं करवा पाए, यही वो मीडिया के ऊपर सारा मामला कर रहे थे, और जाने से पहले वो सारे को चाचे को मामे को ताए को पता नहीं किस किस को मिले हैं, या मैं इंडिया जा रहा हूँ तो क्या क्या वहाँ से कुछ मंगवाना है गोवा से तो बता दो, बता दे गोवा कौन से चीज फेमस है तो मैं वहाँ से लेता आऊंगा। हाँ, एक चीज बड़ी जबरदस्त हुई है, जो पाकिस्तानी सहाफी हजरात गए हैं उनके मजे हो गए हैं, उन्होंने खूब इंजॉय भर के वहाँ पे सैरो सपाटे कर रहे हैं और पोस्टें लगा रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, गोवा पे हमारा नाश्ता चल रहा है जी, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ठीक है जी, कुछ लोगों के तो मज़े हुए हैं, चाहे बिलावल भुट्टो के खैर नहीं हुए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम भी इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे थे बिलावल भुट्टो साहब के, क्योंकि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी, कोई ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट वहाँ पे कर रहा है, वजीर खारजा है, लेकिन वो इस तरीके से वहाँ पे जाके इंडिया में जो है ना वो दिखा रहा है, जो बिल्लू रानी यहाँ पे होती है वही बिल्लू रानी वहाँ, जैसे यूट्यूबर गया है कहीं पे जो इससे तो ज्यादा जो वजीर आई जो थी वो हमारे बरार भाई को मिली है, सही कहा है, तो इंडियन ने जो है ना उनको बहुत ज्यादा दिल से जो है वेलकम किया, उनको प्यार दिया है, तो यही चीज होती है भाई, बात यही है कि जो सीधी नीयत वाले लोग हैं इंडियंस उनको प्यार भी करते हैं और प्यार बहुत, देखें चीज ये है कि जो जिस लेवल का होता है उसी लेवल की इज्जत मिलती है, तो यही सारी चीजें हैं कि जब आप पॉलिटिशियन करेंगे तो आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा, लेकिन जब आप इंसानियत के लिए, इन्होंने बस पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया को पाकिस्तान के जैसा समझा हुआ है कि जो बयान आता हम यहाँ देते हैं वही दुनिया के लिए भी ऐसे वैसे, लेकिन दुनिया बदल चुकी है, दुनिया अब कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी है, हम आज भी वहीं के वहीं हैं। तो बहुत ही एक फनी वीडियो थी, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, अगर तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए